बाह्य वातावरण के प्रति आंतरिक वातावरण पूर्व के नियमन की प्रक्रिया को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो होमियोस्टेसिस किडनी के द्वारा आपातकाल में किडनी का कार्य होता है जो होमियोस्टेसिस के लिए उत्तरदायी है। और किडनी पर जो एड्रेनल ग्रंथि पाई जाती है, एड्रेनालिन नामक हार्मोन निकलता है, वो भी जो है होमियोस्टेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। एड्रेनालिन को ट्रिपल एफ हार्मोन कहते हैं। ट्रिपल एफ का मतलब फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, डरिए, लड़िए और उड़िए, यानी इसे हम एड्रेनालिन को ट्रिपल एफ हार्मोन कहते हैं। अगला है पीएच का नियंत्रण, यानी शरीर के शरीर के रक्त को गाढ़ा करना या हल्का करना, उसका क्षारीयता यानी कि रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, उसी को बनाए रखने की प्रक्रिया पीएच मान का नियंत्रण करती है, भी किडनी करता है। रुधिर की परासरणीयता में ऑस्मोरेगुलेशन जिसे कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं, विसरणशीलता कहते हैं, ये भी किडनी के द्वारा ही होता है। किडनी रुधिर के परासरणीयता को बनाए रखती है। रुधिर का मूत्र का निर्माण करके, मूत्र को गाढ़ा या पतला करके रुधिर दाब को अभी जो है नियमन किडनी करता है। तो इस तरह से विशेष कार्यों में किडनी के कार्य या पित्त के कार्यों में एक तो मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा होमियोस्टेसिस यानी समस्थापन की प्रक्रिया, तीसरा पीएच मान का नियंत्रण की प्रक्रिया, चौथा रुधिर के परासरणीयता को बनाए रखना, पांचवा रुधिर दाब का नियंत्रण करना। ये सभी कार्य किडनी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि एक प्रक्रिया है जिसकी किडनी खराब हो जाती है, जिसे हम डायलाइजर कहते हैं, उस मशीन को रखा जाता है और पूरे शरीर के रक्त को एक नलिका के माध्यम से एक विशेष यंत्र में घुमाया जाता है, जिससे कि अवांछित पदार्थ अलग कर दिए जाते हैं और जो शुद्ध रक्त है पुनः नलिका के माध्यम से धमनी में प्रवेश कर शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, उसे हम डायलिसिस कहते हैं। अर्थात किडनी आपके शरीर में महत्वपूर्ण अंग है। धन्यवाद। कक्षा 11 के लिए आज हम ब्रिक का यानी कि उत्सर्जन का अंतिम भाग लेकर के आपके लिए प्रस्तुत हैं, जिसमें ब्रिक के कार्य, एक कार्य तो आपने ब्रिक का विशेष रूप से जाना ही है कि जो अवशिष्ट पदार्थ है जैसे अमोनिया है, यूरिया है या और भी अपच पदार्थ हैं या अपशिष्ट पदार्थ है, वो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना यानी मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को ब्रिक का मुख्य कार्य माना गया। कल हमने इस श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। दूसरा हमने बताया कि किडनी के आंतरिक संरचना। तीसरा भाग हमने बताया कि नेत्रान की संरचना। चौथा भाग हमने बताया कि परानिस्यंदन यानी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो अगला एक प्रक्रिया है और भी कार्य है जिसे पहला होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है समावस्था। समावस्था अर्थात समस्थापन, अर्थात होमियोस्टेसिस की परिभाषा हो सकती है बाह्य उद्दीपन के प्रति आंतरिक